मेरा जन्म जो हुआ था एमपी के सांची में हुआ था, और मेरे पापा रेलवे में थे, और हम लोग पांच भाई बहन थे। पांच भाई बहन में जिसमें है ना मेरे एक भाई हैं, हम लोग चार बहन थे जिसमें सबसे छोटी मैं हूँ। पहले क्या होता था, मम्मी लोगों को बच्चे नहीं होते थे, तो जो बूढ़े लोग बोलते थे कि है ना अभी है ना एक लड़का है, एक लड़के में क्या होगा। तो मेरी मम्मी को सबसे लास्ट में मैं हुई थी, और मैं लास्ट में काफ़ी लेट ही हुई है मम्मी को, क्योंकि मेरी दीदी लोग की शादी मेरे को मतलब जब मैं पैदा हुई थी उससे पहले ही हो गई थी मेरी दीदी की शादी, भैया की शादी। भैया भी काफ़ी बड़े हैं मुझसे, दीदी लोग भी बड़ी हैं, दीदी लोग के बच्चों की शादी हो गई है, और अभी मेरे बच्चों की नहीं हुई है। और मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, कम एज में ही हो गई थी मेरी शादी। मेरी काफ़ी कम एज रही थी उस समय, जब मैं है ना 14 साल में लगी थी, मतलब इंटर ही किया था तभी मेरी शादी हो गई थी। मेरी एजुकेशन भी हुई है, मतलब अब मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कैसे मेरी एजुकेशन हुई है, फिर मैंने कितना स्ट्रगल करा, उसके बाद मेरी पढ़ाई चालू हुई है। क्या होता है देखिए जीवन में है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव इंसान देखता है, तो अभी भी मुझे मानसिक टेंशन बहुत होती है, वही चीज़ें पीछे बार बार मेरे जीवन में आती, खुदेर खुदेर के मेरे मस्तक में। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये चीज़ें निकले मेरे मतलब मन से, पर नहीं निकल पाती यार, कैसे निकाल दूँ मैं उन चीज़ों को। मैं हमेशा सोचती हूँ यार ये चीज़ें निकले नहीं तो ये मेरे को दुखदाई बन रही है, क्योंकि मेरी सेहत इसी के कारण डाउन हो रही है, हाइपर टेंशन है, तो देखिए मोटापा भी आ रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे को है ना परेशान कर रही हैं। देखिए मेरी है ना, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े, हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं हुआ करता था, प्राइवेट कोई भी स्कूल नहीं हुआ करते थे, जितने स्कूल थे सारे सरकारी स्कूल थे। तो हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था, हमारा बौद्ध स्थल है तो काफ़ी मतलब कस्बा टाइप का था, जहाँ सारी सुख सुविधाएँ थी, नगर निगम थी, पानी था। वैसे पुराने ज़माने में नहीं हुआ करता था, पर जब मेरा जन्म हुआ था, जब मैंने पानी अपने घर में ही देखा है, कुआँ भी हुआ करता था, जैसे नल नहीं आता तो कुएँ पर हम लोग जाते थे पानी भरने। और मतलब देखिए क्या होता, उस जमाने में एक इंसान कमाने वाला रहता था, जिसकी ना कोई खेती ना बाड़ी। और मेरे पापा ने हम लोगों को बहुत अच्छे से पाला पोसा, मेरे भाई भाई को बहुत प्यार करते थे, हम बहनों को भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम चार लड़कियां हैं। हम लोगों को भी मतलब बहुत कोशिश की पढ़ाने के लिए, दीदी लोग तो पढ़ी नहीं है मेरी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, और वो एक दो दिन स्कूल गई हैं उसके बाद नहीं गई हैं। टीचर डांट देती थी तो वो टीचर को 10 बातें सुना के भाग जाती थी। और मेरी है ना जब दाखिला हुआ था, मेरे को बहुत शौक था स्कूल जाने का, तो मैं जब थी 5 साल की, तो 5 साल में क्या होता है कि 5 साल की एज है ना, उस समय 6 साल की एज होती थी आपको स्कूल में दाखिले के लिए। तो मेरा जो दाखिला है हो नहीं रहा था, बोलने लगे नहीं आपका दाखिला नहीं होगा, 6 साल में मतलब होना है, 6 साल में ही होता है दाखिला। तो मेरे पापा बोलने लगे 1 साल और रुक जाते, तो हम लोग जिद्दी टाइप के थे मेरी फ्रेंड और हम, तो हम लोगों की एक एक साल एज बढ़ा दी गई। बोलते ना अभी एज कम करा रहा है, पर हम लोगों की एज बढ़ा दी। तो एज बढ़ाने से क्या होता है, ये बाद में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका, कभी भी भूल के एज है ना कम करवा दो, पर बढ़ाना नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता गया, हम लोग बहनें ना मेरा दाखिला हो गया, हम लोग स्कूल जाने लगे, बड़ी अच्छी लाइफ थी हमारी, खूब अच्छे से पीरियड हमारे चलते थे। हम मतलब जो जो इस क्लास के पीरियड रहता है, मैडम लोग स्वेटर बुनती थी वहाँ धूप में बैठ के, अभी जो ठंडी का टाइम चल रहा है ना, तो वो धूप में स्वेटर बुनती थी। होमवर्क दे दिया, हम लोग अपना होमवर्क करते रहते थे, फिर जाके मैडम बता देती थी। पहले के ज़माने में यही होता था, अभी तो स्वेटर मोटर का ज़माना गया, कोई नहीं बुनते हैं अब। तो देखिए ऐसे ऐसे करके मैंने कैसे कैसे करके 9th तक मतलब निकाल ही लिया था पढ़ाई। और देखिए आगे की जो चीज़ें हैं मैं आपको कंटिन्यू बताती रहूँगी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखिए ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और देखिए ये मोटिवेशन वाले वीडियो है ये, इससे आपको भी सीख मिलेगी कि हमारे जीवन में मतलब हमको कैसे क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को मैं यहीं एंडिंग करती हूँ, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।